क्लास 12 एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इसको पहले दिखाना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको डी वाई डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये डी वाई है, डी एक्स डी एक्स है, तो इस डी एक्स को वहाँ भेजते हैं। एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट डी एक्स दे रखा है, और ये माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स डी वाई इन दोनों में dx है तो dx कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट प्लस वाई, ठीक है। तो dx कॉमन आ गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट बचा, यहाँ y बचा। अब यहाँ हमें dy dx चाहिए तो dy dx नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट प्लस वाई हो जाएगा, और ये x को नीचे डिवाइड में डाल देंगे तो ये इसके अपॉन भी आ जाएगा, इसके अपॉन भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो या इस एक्स को अंदर ले जाते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि अगर एक्स है तो इसको हम एक्स स्क्वायर रूट कर सकते हैं, क्योंकि रूट से एक्स रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो यानी एक्स बराबर रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इस एक्स को इस रूट के अंदर ले आ सकते हैं, कैसे, रूट के अंदर ले आगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में आएगा, तो यानी इसके अपॉन भी आएगा स्क्वायर, इसके अपॉन भी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, समझ आया ना। क्योंकि एक्स को हम ले सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा वाई अपॉन एक्स, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट वन प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन आ गई आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में, तो कह सकते हैं इट इज़ होमोजीनियस, इट इज़ होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है, इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो जब होमोजीनियस बन जाता है तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स, वाई का डिफरेंशियल करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो v ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशियल वन होता है, फिर x ऐसे ही रहेगा, v का डिफरेंशियल डी वी अपॉन डी एक्स होता है, ये हो गया वन, ये हो गया टू। अब क्या करेंगे, टू को वन में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट किया वन प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी वाई अपॉन एक्स यहाँ से निकालेंगे, वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा वी, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू, ये वाई अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा वी का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह वी आ जाएगा, तो ये वी वी कैंसिल। अब डी वी ये वी वाला नीचे आ जाएगा, डी स्क्वायर का रूट इक्वल टू डी एक्स ऐसे आ जाएगा, ये एक्स अपॉन में आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ अप्लाई इंटीग्रेशन, ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक। उसके बाद क्या होता है, डी वी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बन गया डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स कितना यहाँ पे वी प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, ठीक है, प्लस ही होता है इक्वल टू इसका डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस सी करते हैं हम, सारे लॉग में है तो हम क्या ले लेते हैं लॉग सी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं वाई वी की वैल्यू डालते हैं, वी की वैल्यू क्या होगी वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस यहाँ भी इसको कहते हैं वन प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, इसको इधर कर लो इधर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब इसको सॉल्व करेंगे लॉग, ये दोनों में वाई अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये भी रूट आएगा इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, यहाँ पे लॉग ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, यानी नीचे एलसीएम एक्स आ जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, इसको करते हैं ऊपर, इसको पहले उतार लेते हैं लॉग y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, इसको यहाँ उतार दिए। अब यहाँ इसमें लगाते हैं लॉग m अपॉन लॉग एन वाला, तो ये जाएगा लॉग वाई प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर का रूट माइनस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। और उसके बाद ये माइनस में है लॉग एक्स, वहाँ डाल देंगे इसको, तो ये तो ऐसे ही रहेगा लेफ्ट में, वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू, वहाँ जाएगा लॉग एक्स है, माइनस लॉग एक्स वहाँ जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। फिर उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू, ये टू एम टू लॉग एम, मतलब एन लॉग एम वाला लग जाएगा, तो लॉग एम एन हो जाएगा, तो लॉग एक्स की बस स्क्वायर हो जाएगा प्लस लॉग सी। इसमें फिर प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल में लॉग एम प्लस लॉग एन का लॉग एक्स स्क्वायर सी, ठीक है, लॉग का प्रोडक्ट रूल लगेगा, लॉग वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, उसके बाद लॉग से लॉग कैंसिल, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है।